अध्याय एक, कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि। आपने एक कहावत सुनी होगी, धीमी और निरंतर दौड़ जीत जाती है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी। देवी और सज्जनों, मैं कछुआ हूं। अगर आप मुझे पर्याप्त समय दें तो मैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में किसी को भी हर बार हरा दूंगा। क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं या सबसे चतुर हूं या सबसे तेज हूं। मैं अपनी सकारात्मक आदतों की वजह से जीतूंगा, जिनका इस्तेमाल मैं लगातार हर समय करता हूं। मैं निरंतरता में जितना विश्वास करता हूं, उतना संसार में कोई दूसरा नहीं करता होगा। मैं इस सच्चाई का जीता जागता सबूत हूं कि यह सफलता की चरम कुंजी है। यह असफल लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग निरंतरता को कायम रखने का तरीका नहीं जानते। मुझे इस बात के लिए अपने पिता को धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल वो संचयी परिणाम यानी कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत की शक्ति सिखाने वाले मेरे पहले कोच थे। जब मैं 18 महीने का था तो मेरे माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद पिता ने अकेले मुझे पाला। वो नरम या लड़ियाने वाले पिता नहीं थे, वो भूतपूर्व यूनिवर्सिटी फुटबॉल कोच थे और उन्होंने मेरी मानसिकता उपलब्धि पर केंद्रित कर दी। पिता की वजह से ही मैं हर सुबह 6 बजे जाग जाता था। कंधे पर प्रेमपूर्ण थपके से नहीं, रेडियो अलार्म की वजह से भी नहीं, नहीं, मैं तो हर सुबह अपने बेडरूम के पास बने गैराज में कंक्रीट के फर्श पर लोहे की आवाजों से जागता था। ये आवाजें इतनी तेज होती थी मानो मैं किसी निर्माण इलाके से 12 फुट दूर सो रहा हूं। उन्होंने गैराज की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कोई कष्ट नहीं, कोई लाभ नहीं। कसरत करते समय, वेट लिफ्टिंग करते समय और दंड बैठक लगाते समय वो इसी वाक्य को घूरते रहते थे। बारिश हो या बर्फबारी, पिता अपने शॉर्ट्स और घिसी पिटी सूती शर्ट में उस समय आपको हमेशा वहां मिलते थे। उन्होंने कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया। आप उनकी आदत से अपनी घड़ी मिला सकते थे। मेरे पास काम का इतना ज्यादा बोझ था कि ये एक पूर्णकालिक हाउसकीपर और माली की जिम्मेदारियों से भी ज्यादा था। जब मैं स्कूल से लौटता था तो मुझे हमेशा पिता के निर्देशों की सूची मिलती थी। खरपतवार उखाड़ देना, पत्तियां साफ कर देना, गैराज में झाड़ू लगा देना, धूल साफ कर देना, वैक्यूम कर देना, बर्तन मांज देना और भी न जाने कितने काम। और स्कूल की पढ़ाई में पीछे रहने को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। तब मेरी जिंदगी ऐसी थी। पिता कोई बहाना नहीं चलेगा वाले इंसान थे। हमें कभी बीमारी के कारण स्कूल से गोता मारकर घर पर रहने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जब तक कि हम सचमुच उल्टी ना कर रहे हो, हमारे खून ना निकल रहा हो या हड्डी ना दिख रही हो। हड्डी दिखना शब्दावली डैडी के कोचिंग के समय लोकप्रिय हुई थी। उनके खिलाड़ी जानते थे कि जब तक वो ज्यादा घायल नहीं होंगे, उन्हें मैच से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार उनके क्वार्टरबैक ने डैडी से कहा कि वो उसे मैच से बाहर बुला लें। डैडी ने कहा, तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारी हड्डी ना दिख रही हो। क्वार्टरबैक ने अपने कंधे के पैड हटाए और वहां सचमुच उसकी कॉलर बोन दिखाई दे रही थी। इसके बाद ही उसे मैदान से बाहर बुलाया गया। डैडी का एक बुनियादी दर्शन ये था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो या नहीं हो। अनुभव, योग्यता, बुद्धिमत्ता या आंतरिक क्षमता के क्षेत्र में तुमसे जो भी कमी हो, तुम कड़ी मेहनत से उसकी भरपाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा प्रतिस्पर्धी ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा गुणी या ज्यादा अनुभवी है, तो तुम्हें उससे बस 3-4 गुना ज्यादा तेज मेहनत करने की जरूरत है, फिर तुम उसे हरा सकते हो। चुनौती चाहे कोई भी हो, उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं कड़ी मेहनत से अपनी हर कमी की भरपाई कर सकता हूं। मैच में फ्री थ्रो चूक रहे हो, 1 महीने तक हर दिन 1000 फ्री थ्रो करो। बाएं हाथ से ड्रिबलिंग करने में अच्छे नहीं हो, अपने दाएं हाथ पीठ के पीछे बांध लो और हर दिन 3 घंटे तक ड्रिबलिंग करो। गणित में पीछे हो, एक ट्यूटर लगा लो और पूरी गर्मियों में 24 घंटे मेहनत करो, जब तक कि ये तुम्हारे भेजे में ना घुस जाए। कोई बहानेबाजी नहीं। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो ज्यादा कड़ी मेहनत करो, ज्यादा स्मार्ट तरीके से मेहनत करो। वो जो कहते थे वो करते भी थे। डैडी फुटबॉल कोच के साथ शीर्ष सेल्स पर्सन बने। इसके बाद अंततः उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, लेकिन वो मुझे बहुत सारे निर्देश नहीं देते थे। शुरुआत से ही डैडी हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने देते थे। वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी के समर्थक थे। वो होमवर्क को लेकर हर रात हमारे पीछे नहीं पड़े रहते थे, हमें तो बस परिणाम दिखाने होते थे। और जब आप ऐसा करते थे तो आपकी सफलता का जश्न मनाया जाता था। अच्छे ग्रेड मिलने पर डैडी हमें प्रिंग्स नामक आइसक्रीम पार्लर ले जाते और शानदार बनाना स्लिप्ट खिलाते थे, आइसक्रीम के 6 स्कूप और बाकी सारी चीजें। कई बार मेरे भाई बहन स्कूल में अच्छे ग्रेड नहीं ला पाए, इसलिए उन्हें वहां जाने का मौका नहीं मिला। वहां जाने का मौका मिलना बड़ी बात थी, इसलिए हम उस मौके को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर देते थे। डैडी का अनुशासन मेरे लिए मिसाल बन गया।
डैडी मेरे आदर्श थे और मैं चाहता था कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। मुझे ये डर भी रहता था कि मैं उन्हें कहीं निराश ना कर दूं। उनका एक दर्शन था, नहीं कहने वाले इंसान बनो, भीड़ के साथ चलना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, असाधारण इंसान बनो, अपवाद बनो। मेरी कंपनी के प्रचार वाक्य की प्रेरणा मुझे यहीं से मिली, इसलिए मैंने कभी नशा नहीं किया। उन्होंने कभी इस बारे में मुझे लंबे उपदेश नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं बनना चाहता था जो कोई काम सिर्फ इसीलिए करे क्योंकि हर कोई उसे कर रहा था, और मैं डैडी को निराश भी नहीं करना चाहता था। डैडी की बदौलत 12 साल की उम्र में ही मेरी दिनचर्या ऐसी बन गई जिस पर सबसे कार्यकुशल सीईओ को भी गर्व होता। कई बार मैं उआह करता था और लंबी सांसें भरता था, आखिर मैं बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद मन ही मन खुश होता था कि मैं अपने सहपाठियों से बेहतर स्थिति में हूं। पिता की वजह से ही मैं अनुशासन और मानसिकता के क्षेत्र में बाकी लोगों से बहुत आगे था। उन्हीं की बदौलत मैंने समर्पण और जिम्मेदारी के बेहद महत्वपूर्ण सबक सीखे, ताकि मैं जो हासिल करने की ठान लूं उसे हासिल कर लूं। डैडी और मैं इस बारे में मजाक करते थे कि उन्होंने मुझे सफलता की लत लगा दी। 18 साल की उम्र में मैं अपने कारोबार में $1,00,000 से ज्यादा कमा रहा था। 20 साल की उम्र में मैंने एक अमीर इलाके में अपना खुद का घर खरीद लिया। 24 साल की उम्र में मेरी वार्षिक आमदनी बढ़कर $1,000,000 से ज्यादा हो गई और 27 साल की उम्र तक मैं आधिकारिक रूप से सेल्फ मेड मिलीनियर बन गया, जबकि मेरा कारोबार $50 मिलियन आमदनी कर रहा था। आज मेरे पास इतना पैसा और संपत्ति है कि जीवन भर मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी है। किसी बच्चे में बहुत सी चीजों की लत डाली जा सकती है, डैडी कहते थे। कम से कम मैंने काफी अच्छी चीजों की लत डाली, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि मैं मानता हूं कि मुझे अपने हाथों पर बैठने, पल में मौजूद रहने या समय समय पर बीच चेयर पर शांति से बैठने का अभ्यास करना पड़ा, कारोबारी पुस्तकों के ढेर या स्व सुधार के ऑडियो के बिना। लेकिन मैं सफलता की उन योग्यताओं के लिए कृतज्ञ हूं जो मैंने अपने डैडी से सीखी और बाद में दूसरे मार्गदर्शकों से भी। ये पुस्तक मेरी सफलता के असली रहस्य को उजागर करती है। मैं संचयी परिणाम के सिद्धांत में सचमुच विश्वास करता हूं, क्योंकि डैडी की मेहरबानी से मैं हर दिन इस पर अमल करता था और आज नौबत यहां तक आ पहुंची है कि मैं कोशिश करने पर भी इसे छोड़कर किसी दूसरी तरह नहीं जी सकता। लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो आपको इस पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा होगा। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जो समझ में आते हैं। आपको वैसी कोचिंग और मिसाल नहीं मिली जिससे आपने सीखा हो कि क्या करना है। आपने अब तक संचयी परिणाम के सिद्धांतों के पुरस्कारों का अनुभव नहीं किया है। समाज के रूप में हमें धोखा दिया गया है, हमें मार्केटिंग ने सम्मोहित कर दिया है, जो आपको काल्पनिक समस्याओं का विश्वास दिलाती है जो आपके पास नहीं है, और फिर उनका इलाज करने के लिए आपको तुरंत समाधान भेज देती है। हम फिल्मों और उपन्यासों में परिकथा जैसे अंत में विश्वास करने के लिए सामाजिक रूप से कंडीशन हो चुके हैं। इस चक्कर में हम मेहनत और निरंतर काम करने के अच्छे पुराने जीवन मूल्य को भुला चुके हैं। आइए इन अवरोधों की एक एक करके जांच करते हैं। आपने संचयी परिणाम के सिद्धांत के पुरस्कारों का अनुभव नहीं किया है। संचयी परिणाम छोटे छोटे स्मार्ट चयनों की श्रृंखला से बड़े पुरस्कार हासिल करने का सिद्धांत है। मेरे लिए इस प्रक्रिया की सबसे रोचक चीज ये है कि हालांकि परिणाम बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जिस पल आप कदम उठाते हैं वो कदम महत्वपूर्ण या मुश्किल नहीं लगता। आप इस रणनीति का इस्तेमाल चाहे अपनी सेहत सुधारने के लिए कर रहे हो, संबंध सुधारने के लिए कर रहे हो, या आर्थिक स्थिति या कोई दूसरी चीज सुधारने के लिए कर रहे हो। ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म होते हैं कि मुश्किल से दिखाई देते हैं। इन छोटे परिवर्तनों का तुरंत कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, कोई बड़ी जीत नहीं मिलती, कोई स्पष्ट पुरस्कार भी नहीं मिलता, तो फिर इस झंझट में क्यों पड़े? ज्यादातर लोग संचयी परिणाम के सिद्धांत की सरलता की वजह से फिसल जाते हैं। मिसाल के तौर पर 8 दिन तक दौड़ने के बाद भी उनका वजन ज्यादा कम नहीं होता, या वो पियानो का अभ्यास 6 महीने बाद इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो चॉपस्टिक्स के अलावा किसी दूसरी चीज में माहिर नहीं हो पाए हैं, या वो कुछ साल बाद अपने रिटायरमेंट अकाउंट में योगदान देना छोड़ रहे होते हैं क्योंकि वो नकद पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वैसे भी ज्यादा बड़ी रकम नहीं दिख रही है। उन्हें एहसास नहीं होता कि ये छोटे और महत्वहीन दिखने वाले कदम आगे चलकर एक महत्वपूर्ण फर्क उत्पन्न कर देंगे, बशर्ते उन्हें लंबे समय तक लगातार उठाया जाए। आइए मैं आपको कुछ विस्तृत उदाहरण देता हूं। छोटे स्मार्ट चेन प्लस निरंतरता प्लस समय इक्वल टू क्रांतिकारी फर्क। जादुई पेनी। अगर आपके सामने ये विकल्प रखा जाए कि आप इसी पल $3 मिलियन नकद लेना चाहेंगे या फिर एक अकेली पेनी लेना चाहेंगे जिसका मूल्य 31 दिनों तक हर दिन दोगुना होता रहे, तो आप किसे चुनेंगे? अगर आपने ये प्रश्न पहले भी सुना हो तो आप जानते हैं कि आपको पेनी को ही चुनना चाहिए।
क्योंकि इसी विकल्प या चयन से आपको ज्यादा दौलत मिलेगी, लेकिन फिर भी ये यकीन करना मुश्किल क्यों है कि पैनी चुनने पर अंत में ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि पुरस्कार दिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आइए गौर से देखते हैं। आइए मान लेते हैं कि आप नकदी का विकल्प चुनते हैं और आपका मित्र पैनी वाला विकल्प चुनता है। पांचवें दिन आपके मित्र के पास 16 सेंट है, आपके पास $3 मिलियन है। दसवें दिन उसके पास $5.12 है और आपके पास बहुत बड़ी धनराशि है। आपको क्या लगता है, आपका मित्र अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस कर रहा होगा? आप अपने मिलियनों डॉलर खर्च कर रहे हैं, आपको इसमें बहुत मजा आ रहा है और आप अपने चुने हुए विकल्प पर बेहद खुश हैं। 20 दिन गुजर जाते हैं और अब केवल 11 दिन बचे हैं, लेकिन पैनी का विकल्प चुनने वाले के पास अब भी सिर्फ $5,243 है। वो इस बिंदु पर कैसा महसूस कर रहा होगा? उसके सारे त्याग और सकारात्मक व्यवहार के बावजूद उसके पास केवल $5,000 है। दूसरी तरफ आपके पास $3 मिलियन है। फिर संचयी परिणाम कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत का अदृश्य जादू नजर आने लगता है। हर दिन छोटे गणितीय विकास से चक्रवृद्धि होती पैनी 31वें दिन $10,737,418.24 बन जाती है, जो आपके $3 मिलियन से 3 गुनी से भी ज्यादा राशि है। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि निरंतरता को लंबे समय तक कायम रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 29वें दिन आपके पास $3 मिलियन है, जबकि पैनी चुनने वाले मित्र के पास $2.7 मिलियन है। इस 31 दिन की दौड़ में 30वें दिन वो आगे निकलता है, जब उसके पास $5.3 मिलियन होते हैं। और इस महीने भर की मैराथन रेस के बिल्कुल आखिरी दिन आपका मित्र आपको बुरी तरह पछाड़ देता है। उसके पास आपके $3 मिलियन के मुकाबले $10,737,418.24 आ जाते हैं। बहुत कम चीजें पैनी के चक्रवर्ती जादू जितनी प्रभावशाली होती हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये शक्ति आपके जीवन के हर क्षेत्र में इसी तरह का कमाल दिखा सकती है। एक और उदाहरण देखते हैं। तीन दोस्तों को लें जो एक साथ बड़े हुए हैं, वो उसी इलाके में रहते हैं और उनकी अनुभूतियां काफी मिलती जुलती हैं। उनमें से प्रत्येक साल भर में लगभग $50,000 कमाता है। वो सभी शादीशुदा हैं और उनका स्वास्थ्य व शरीर का वजन भी औसत है। शादी के बाद का तोंद प्रभाव भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। पहले दोस्त को हम लैरी नाम दे देते हैं और वो वही सब करता रहता है जो हमेशा से करता आ रहा है। वो खुश है या वो सोचता है, लेकिन कभी कभार शिकायत करता है कि उसके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलता। दूसरे दोस्त स्कॉट कुछ छोटे लेकिन महत्वहीन दिखने वाले सकारात्मक परिवर्तन करने लगता है। वो हर दिन एक अच्छी पुस्तक के 10 पन्ने पढ़ने लगता है। वो काम पर जाते समय यात्रा के 30 मिनट तक प्रेरक ऑडियो भी सुनने लगता है। स्कॉट अपने जीवन में परिवर्तन तो करना चाहता है, लेकिन वो ये काम बड़े पैमाने पर नहीं करना चाहता। उसने हाल ही में डेरेन डेली ऑन डिमांड पॉडकास्ट सुनना शुरू किया है और उसके एक विचार को अपने जीवन में उतारने लगा है। वो हर दिन अपने आहार में 125 कैलोरी की कटौती करने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं, हम शायद एक कप अनाज कम करने की बात कर रहे हैं। सोडा कैन के बदले में सेल्टजर स्पार्कलिंग वाटर की बॉटल की बात कर रहे हैं। सैंडविच पर मेयो की जगह मस्टर्ड सॉस लगाने की बात कर रहे हैं। ये किया जा सकता है। वो हर दिन 2000 कदम ज्यादा चलने लगा है, 1 मील से कम। इसमें भी कोई काम भारी बहादुरी या बहुत मेहनत का नहीं है, कोई भी ये कर सकता है। लेकिन स्कॉट इन विकल्पों पर टिके रहने के लिए संकल्पवान है। वो जानता है हालांकि ये चयन सरल है, लेकिन उसका मन उन्हें छोड़ने के लिए आसानी से ललचा सकता है। तीसरा दोस्त ब्रैड कुछ खराब विकल्प चुनता है। वो अपने प्रिय कार्यक्रम ज्यादा देखने के लिए हाल ही में बड़ी स्क्रीन वाला एक टीवी खरीद रहा है। वो फूड नेटवर्क पर देखी रेसिपीज को अपनाने लगा है। चीज वाला पुलाव और मिठाइयां उसके पसंदीदा व्यंजन है। ओह, और उसने अपने पारिवारिक कक्ष में एक बार भी बना लिया है और हर सप्ताह शराब भी पीने लगा है। कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, ब्रेड बस जिंदगी में थोड़े मजे करना चाहता है और थोड़ा तनाव रहित होना चाहता है। 5 महीने बाद लैरी, स्कॉट या ब्रेड के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देता। स्कॉट हर रात थोड़ा पढ़ता है और ऑफिस आते जाते समय ऑडियो सुनता है। ब्रेड जीवन का आनंद ले रहा है और अच्छी चीजें कम कर रहा है। लैरी वही सब कर रहा है जो वो हमेशा से करता रहा है। हालांकि हर व्यक्ति का व्यवहार अलग है, लेकिन 5 महीने का समय इतना लंबा समय नहीं कि उनकी स्थिति में कोई असली गिरावट या सुधार न चला है। सच तो यह है कि उन तीनों के वजन की तुलना करने पर भी आपको लगभग 0 अंतर मिलेगा। वो लगभग समान दिखेंगे। 10 महीने बाद भी हमें उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर नहीं आता। 18वें महीने में हमें इन तीनों दोस्तों के हुलिये में थोड़ा फर्क दिखाई दे सकता है, लेकिन 25वें महीने के करीब यह अंतर काफी स्पष्ट हो जाता है और इसे नापा जा सकता है। 27वें महीने में हमें
काफी फर्क नजर आने लगता है और 31वें महीने तक तो आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देता है। ब्रेड अब मोटा हो चुका है जबकि स्कॉट छरहरा हो गया है। हर दिन 125 कैलोरियां कम करने की बदौलत 31 महीने में स्कॉट का वजन 33 पाउंड कम हो गया है। 31 महीने इक्वल टू 940 दिन। 940 दिन गुणा 125 कैलोरी बटे दिन इक्वल टू 117,500 कैलोरी बटे 3500 कैलोरी प्रति पाउंड 33.5 पाउंड। ब्रेड ने इतने ही समय में हर दिन सिर्फ 125 कैलोरी ज्यादा खाई जिससे उसका वजन 33.5 पाउंड बढ़ गया, यानी अब उसका वजन स्कॉट से 67 पाउंड ज्यादा है। लेकिन फर्क वजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्कॉट ने अच्छी पुस्तकें पढ़ने और आत्म सुधार के ऑडियो सुनने में लगभग 1000 घंटों का निवेश किया है। अपने इस अतिरिक्त ज्ञान पर अमल करने में उसे एक प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिल चुकी है। सबसे अच्छी बात, उसका वैवाहिक जीवन सुखद है। ब्रेड, वो ऑफिस में दुखी है और उसका विवाह संकट में है। और लैरी काफी कुछ वैसा ही है जैसा वो 2.5 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो इसके बारे में ज्यादा कटु है। संचयी परिणाम की जबरदस्त शक्ति इतनी ही सरल है। जो लोग संचयी परिणाम के सिद्धांत का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं और उनके जो समकक्ष ऐसा नहीं करते या जो इसका इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं, उनके बीच इतना ज्यादा फर्क होता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये चमत्कारी दिखता है, जादू या क्वांटम लीप की तरह। जो व्यक्ति संचयी परिणाम के सिद्धांत की सकारात्मक प्रकृति का इस्तेमाल करता है वो 31 महीने या 31 साल बाद रातों रात सफल नजर आता है। वास्तव में उसकी भारी सफलता उन छोटे छोटे स्मार्ट चयनों का परिणाम थी जिन्हें उसने लंबे समय तक निरंतर किया। लहर प्रभाव, मैं जानता हूं ऊपर बताए उदाहरण के परिणाम बहुत आश्चर्यजनक दिखते हैं, लेकिन मामला इससे भी ज्यादा गहरा है। दरअसल एक छोटे परिवर्तन से इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे एक अप्रत्याशित और बिना सोचा लहर प्रभाव शुरू हो जाता है। आइए ब्रेड की एक बुरी आदत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं, अक्सर भारी भोजन करना, ताकि हम ये बेहतर समझ सकें कि संचयी परिणाम का सिद्धांत ऐसा लहर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जिसका नकारात्मक असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। ब्रेड फूड नेटवर्क से रेसिपी सीखकर मॉफिन्स बनाता है। उसे इस बात पर गर्व होता है, उसके परिवार को बहुत पसंद आती है और इससे सभी खुश नजर आते हैं। वो उन्हें और दूसरी मिठाइयों को अक्सर बनाने लगता है। उसे अपनी पाक कला बहुत पसंद आती है और वो ज्यादा खाने लगता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि किसी दूसरे को फर्क समझ में आए। ज्यादा खाने की वजह से ब्रेड रात में अलसाने लगता है। जागते समय भी उसमें आलस भरा होता है जिससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ेपन और नींद की कमी से उसके कामकाज पर असर होने लगता है। वो कम उत्पादक हो जाता है, इसीलिए बॉस उसे निराशाजनक फीडबैक देता है। शाम तक वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट महसूस करने लगता है और उसकी ऊर्जा का स्तर काफी कम हो जाता है। घर लौटने की यात्रा पहले से ज्यादा लंबी और तनावपूर्ण लगने लगती है। तनाव दूर करने और आरामदेह महसूस करने के लिए वो और ज्यादा भारी भोजन करता है। तनाव आपसे कराने में माहिर होता है। ऊर्जा की कमी की वजह से ब्रेड अपनी पत्नी के साथ टहलने भी कम जा पाता है और जो वो पहले हर दिन करता था अब उसका ये करने का मन नहीं होता। पत्नी को बुरा लगता है कि वो उसे वक्त नहीं दे रहा है। वो उसके घूमने नहीं जाने को व्यक्तिगत मान लेती है। पत्नी के साथ साझा गतिविधियों की कमी और ताजा हवा व व्यायाम की कमी की वजह से ब्रेड को अब वो एंडोर्फिन प्रवाह नहीं मिलता है जिसकी बदौलत वो पहले उत्साही और तरोताजा महसूस करता था, क्योंकि अब वो पहले जितना खुश नहीं रहता। इसीलिए वो खुद में और दूसरों में गलतियां निकालने लगता है और उसकी पत्नी की तारीफ करना छोड़ देता है। उसे अपना शरीर थुलथुल महसूस होने लगता है जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वो खुद को कम आकर्षक मानने लगता है और वो कम रोमांटिक भी हो जाता है। ब्रेड को यह एहसास नहीं होता कि उसकी ऊर्जा और प्रेम की इस कमी का पत्नी पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। वो तो बस इतना जानता है कि उसे सेक्स से बचना है। इस चक्कर में वो देर रात तक टीवी देखने लगता है, क्योंकि यह आसान काम है और इससे उसका मन बहल जाता है। उसकी दूरी को महसूस करके उसकी पत्नी शिकायत करने लगती है और फिर मांग करने लगती है। जब इससे काम नहीं बनता तो वो अपनी रक्षा करने के लिए भावनात्मक रूप से दूर होने लगती है। वो अकेलापन महसूस करने लगती है, इसीलिए वो अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाने लगती है और साहचारी की जरूरत पूरी करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है। पुरुष उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं जिससे वो एक बार फिर आकर्षक महसूस करने लगती है। वो ब्रेड को धोखा तो नहीं देती, लेकिन ब्रेड मन ही मन समझ जाता है कि कुछ तो गलत है।
दिक्कत यह है कि वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी समस्याओं की जड़ उसके बुरे चयन और व्यवहार है। इसके बजाय वो अपनी पत्नी में दोष निकालने लगता है। सामने वाला गलत है, ये विश्वास करना कितना आसान होता। अपने अंदर झांककर नहीं देखना और अपने कचरे की सफाई करने का आवश्यक काम नहीं करना भी सहज और बुनियादी मनोविज्ञान है। ब्रेड को तो अपने अंदर झांकने का तरीका ही नहीं आता है। टॉप शेफ या क्राइम शो में आत्म सुधार या संबंधों की सलाह नहीं मिलती है। यह विचार उसके मन में आता ही नहीं कि अगर उसने अपने दोस्त स्कॉट की तरह व्यक्तिगत विकास की पुस्तकें पढ़ी होती तो उसे पता चल सकता था कि वो अपनी नकारात्मक आदतों को कैसे बदले। ब्रेड के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके हर दिन के छोटे छोटे चयनों से जो लहर उठी वो उसके जीवन के हर क्षेत्र में तबाही का सैलाब ले आई। जाहिर है कैलोरी कम करने और स्वस्थ बौद्धिक खुराक लेने से स्कॉट पर इसका उल्टा असर हुआ। उसे अब बहुत से सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। गलत निर्णयों को दोहराने की बजाय हर दिन अनुशासन को दोहराने के ऐसे ही परिणाम मिलते हैं। ये इतना ही सरल है। पर्याप्त समय तक निरंतरता से काम करने पर परिणाम पूरी स्पष्टता से दिखाई देने लगते हैं। इससे भी बेहतर उनका अनुमान भी लगाया जा सकता है। संचयी परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है और इसे मापा जा सकता है। ये बेहतरीन खबर है। क्या ये जानने से आपको तसल्ली नहीं मिलती कि आपको अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं और लंबे समय तक निरंतर उठाने हैं? क्या ये बहादुरी और जबरदस्त शक्ति के उस भारी प्रदर्शन से ज्यादा आसान नहीं लगता जिससे आप थक कर हार जाएंगे और बाद में किसी दिन दूसरी कोशिश करने का संकल्प लेंगे जब आप फिर से असफल होंगे? मैं तो इसके बारे में सोचने से ही थक जाता हूं, लेकिन लोग यही करते हैं। समाज में हमें भारी प्रयास के महान प्रदर्शन की सफलता में विश्वास करने की आदत डाल दी है। ये पूरी तरह से अमरीकी अवधारणा है। सफलता, पुरानी परिभाषा। संचयी परिणाम के सिद्धांत का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू ये है कि हमें कुछ समय तक कार्य कुशलता और निरंतरता से मेहनत करनी होती है, तभी हमें पुरस्कार दिखाई देते हैं। हमारे दादा दादी इस बात को जानते थे, इसीलिए वो शाम को टीवी पर इन्फोमर्शियल्स तथा कथित जानकारी देने वाले विज्ञापन देखने में समय बर्बाद नहीं करते थे कि कैसे 30 दिनों में जांगों को छरहरा करें या 6 महीने में रियल स्टेट किंग बने। उन दिनों ज्यादातर लोग सप्ताह में 6 दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे। सफलता का रहस्य तब भी यही होता था और अब भी यही है, कड़ी मेहनत, अनुशासन और अच्छी आदतें। ये रोचक है कि दौलत प्रायः एक पीढ़ी को लांघने की प्रवृत्ति रखती है। बहुत ज्यादा संपन्नता से अक्सर छुई मुई मानसिकता बन जाती है और आलसी जीवन शैली उत्पन्न हो जाती है। दौलतमंद परिवारों के बच्चे खास तौर पर इसका शिकार होते हैं। उन्होंने दौलत उत्पन्न करने के लिए अनुशासन और चरित्र विकसित नहीं किया, इसलिए उनमें दौलत के मूल्य का वो एहसास या समझ नहीं होती जिससे ये टिक पाए। हमें अक्सर शाही घरानों, फिल्मी सितारों और कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों के हक में ये मानसिकता दिखाई देती है और कम हद तक हर जगह बच्चों और वयस्कों में भी। अमेरिका के लोग प्रबल कार्य संस्कार के मूल्यों को भुला चुके हैं। अमेरिका की 3 या शायद 4 पीढ़ियों ने भारी दौलत, समृद्धि और आराम का आनंद लिया है। स्थायी सफलता उत्पन्न करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, लगन, कड़ी मेहनत और मुश्किलें सहने की शक्ति जैसी चीजें, वो आकर्षक नहीं लगती हैं, इसीलिए हम उन्हें भूल चुके हैं। हमने अपने पूर्वजों के संघर्ष का सम्मान करना छोड़ दिया है। उन्होंने जो भारी परिश्रम किया उससे अनुशासन की नींव पड़ी, उनके चरित्र में निखार आया और नए मोर्चों पर साहसिक विजय पाने का जोश उत्पन्न हुआ। सच तो यह है कि आत्मसंतुष्टि ने सभी महान साम्राज्यों पर प्रभाव डाला है, जिसमें मिश्र, यूनान, रोम, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन के साम्राज्य भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता। प्रभावशाली साम्राज्य इसी वजह से असफल होते देखे गए। लोग सफलता के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा आरामदेह हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। समृद्धि, स्वास्थ्य और दौलत के लंबे दौर के बाद हम आत्मसंतुष्ट बन जाते हैं। हम वो करना छोड़ देते हैं जिसकी बदौलत हम वहां तक पहुंचे थे। हम उबलते पानी के अंदर तैरने वाले मेंढक बन जाते हैं जो कूद कर इसीलिए स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है और इतनी हानि रहित लगती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो उबलने वाला है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने दादा दादी की कार्य संस्कृति को दोबारा अपनाने की जरूरत है। यह हमारे चरित्र को ढालने का समय है। अगर देश को बचाने की खातिर नहीं तो कम से कम अपने खुद की सफलता और उपलब्धि की खातिर। अलादीन के चिराग जैसे विचार को नहीं खरीदे। अगर आप चाहें तो आप अपने सोफे पर लेटकर अपने मेल बॉक्स में चेक आकर्षित कर सकते हैं।
क्रिस्टल रगड़ सकते हैं, आग पर चल सकते हैं, 2000 वर्ष के गुरु का चैनल देख सकते हैं या दृढ़ कथन कह सकते हैं, लेकिन ये सब पैसे ऐंठने वाले विज्ञापन हैं जो आपकी कमजोरियों पर हमला करके आपको ललचा रहे हैं। असली और स्थायी सफलता पाने के लिए काम करना पड़ता है और लंबे समय तक करना पड़ता है। सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता। क्या अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैं एक असल कहानी बताना चाहूंगा। सैन डिएगो में समुद्र तट पर मेरे घर के पास एक बेहतरीन नया रेस्टोरेंट खुला। शुरुआत में वो हमेशा चमचमाता रहता था। मालकिन हर ग्राहक की तरफ खुशनुमा स्वागत करने वाली मुस्कान बिखेरती रहती थी। सेवा बेजोड़ थी। मैनेजर खुद आकर इसका आश्वासन देता था और भोजन जबरदस्त था। जल्द ही लोग वहां खाने के लिए लाइन लगाने लगे और उन्हें बैठने के लिए एक घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन फिर दुर्भाग्य से रेस्टोरेंट के स्टाफ ने अपनी सफलता को स्थायी मान लिया। मालकिन घमंडी हो गई। स्टाफ रूखा व्यवहार करने लगे। वेटर पोशाक के मामले में लापरवाह हो गए और भोजन की गुणवत्ता कभी अच्छी तो कभी खराब होने लगी। 18 महीनों के भीतर ही वो रेस्टोरेंट ठप हो गया। वो अपनी सफलता की वजह से असफल हुए, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो इसीलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने वो करना छोड़ दिया जिसकी वजह से वो पहले सफल हुए। उनकी सफलता ने उनके दृष्टिकोण को ढक लिया और वो आलसी हो गए। माइक्रोवेव मानसिकता। संचयी परिणाम की शक्ति समझने पर आप फटाफट परिणाम की अपेक्षा से छुटकारा पा लेंगे। यह विश्वास है कि सफलता उतनी ही जल्दी मिलनी चाहिए जितनी तेजी से आपका फास्ट फूड मिलता है, आपकी मैगी बनती है, आपकी 30 मिनट की फोटो प्रोसेसिंग होती है, आपकी ओवरनाइट डाक आती है, माइक्रोवेव अंडे, तुरंत गर्म पानी और टेक्स्ट मैसेजिंग पर्याप्त है। ठीक है, खुद से वादा करें कि आप लॉटरी जीतने की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सच तो यह है कि इसमें आप केवल विजेता की कहानी सुनते हैं और करोड़ों असफल लोगों की कहानियां नहीं सुनते। जिस व्यक्ति को आप जुए की मशीन के सामने उछलते कूदते या टीवी पर बड़ा चेक थामे देखते हैं, वो ये नहीं बताता कि इससे पहले सैकड़ों मौकों पर उसकी लॉटरी नहीं लगी थी। अगर हम सकारात्मक परिणाम की गणितीय संभावना की जांच करें तो संभावना शून्य के करीब होती है, यानी आपके पास जीतने का शून्य अवसर होता है। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस के लेखक और हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डेनियल गिलबर्ट कहते हैं कि अगर टीवी पर मैं जीत गया की बजाय लॉटरी में हारने वाला हर व्यक्ति 30 सेकंड में मैं हार गया की घोषणा करे तो एक ही ड्रॉ में असफल हुए लोगों को लगभग 9 साल का समय लग जाएगा। जब आप समझ जाते हैं कि संचयी परिणाम का सिद्धांत कैसे काम करता है तो आप तुरंत फुरत समाधानों या फटाफट इलाजों की झूठी आशा नहीं करते। ये मूर्खतापूर्ण विश्वास ना करें कि किसी बेहद सफल खिलाड़ी ने यातना भरा नियमित प्रशिक्षण अभ्यास और हजारों घंटों का कष्टकारी व्यायाम नहीं किया होगा। वो अभ्यास करने के लिए सुबह जल्दी उठा और जब बाकी सबने अभ्यास करना छोड़ दिया उसके बाद भी वो लंबे समय तक अभ्यास करता रहा। उसने असफलता, अकेलेपन, कड़ी मेहनत और निराशा के भारी दर्द व कुंठा का सामना किया, तब कहीं जाकर वो नंबर वन बन पाया। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के अंत तक या इससे भी पहले अपने दिल के अंदर ये जान लें कि सफलता का इकलौता मार्ग रोजमर्रा के सामान्य, रोमांचहीन और कई बार मुश्किल दैनिक अनुशासन है जो समय के साथ संयुक्त या संचित होते जाते हैं। ये भी जान लें कि आप अपने मनचाहे परिणाम, मनचाहा जीवन और सपनों की जीवन शैली पा सकते हैं बशर्ते आप संचयी परिणाम के सिद्धांत की शक्ति का लाभ लें। यदि आप इस पुस्तक के बताए सिद्धांतों पर चलते हैं तो अंततः आपका जीवन परिकथा जैसा बन जाएगा। क्या मैंने अपनी बात अच्छी तरह से कह दी है? ठीक है, अब हम अगले अध्याय में चलते हैं जहां हम उस एक घटक पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके जीवन को नियंत्रित करता है। हर विजय या पराजय, सफलता या असफलता इसी से शुरू होती है। आपके जीवन में इस वक्त जो भी आपके पास है या नहीं है वो इसी वजह से है। इसे बदलना सीख लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लें।